कपकपाती ठंड ने किया 2020 के पहले दिन का स्वागत। सफदरजंग में 5:30 बजे 2.5 डिग्री दर्ज किया तापमान। मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में 2020 के पहले दिन सुबह सुबह लगा भक्तों का जमावड़ा, की गई विशेष पूजा। वाराणसी में नए साल के 2020 के सूर्योदय पर की गई गंगा आरती। काशी में प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखने देश विदेश के सैलानी पहुंचे। रोशनी से चमचमा उठा पूरा घाट। कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर लालिमा के साथ हुआ 2020 का सूर्योदय। सैलानियों ने हावड़ा ब्रिज पहुंचकर खास तौर पर देखा साल 2020 का सूर्योदय। राजधानी दिल्ली में नए साल का लोगों ने किया दिल खोलकर स्वागत। भारी ठंड के बावजूद 2020 के जश्न में डूबे नजर आए दिल्ली वाले। नए साल पर रंग बिरंगी रोशनी से नहाया मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया। लेजर लाइट शो ने नए साल का जश्न मनाने पहुंचे लोगों का मोहा मन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी दिखी नए साल की छटा। 12 बजते ही डिस्को में फिल्मी गानों की धुन पर मस्ती करते नजर आए लोग। चंडीगढ़ में लोगों ने नाच गाकर 2020 का किया स्वागत। उम्मीद जताई 2020 उनके लिए और बेहतर होगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीआरपीएफ के जवानों ने मनाया नए साल का जश्न। गानों की धुन पर नाचते नजर आए सीआरपीएफ के जाबाज सिपाही। बर्फबारी के बीच आईटीबीपी के जवानों ने नए साल का किया जोरदार आगाज। गानों की धुन पर उत्तराखंड के औली में तैनात जवानों का जोरदार डांस। तेलंगाना के हैदराबाद पुलिस ने नए साल का किया अनोखा स्वागत। डीजीपी ने साथी पुलिस कर्मियों संग किया नए साल का आगाज, काटा केक। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी नए साल की अनोखी छटा देखने को मिली। छोटे बच्चों ने स्टेज पर मचाई धूम, जमकर किया डांस। पंजाब के अमृतसर में हरमिंदर साहिब में दिखा नए साल का रंग। लोगों ने पावन कुंड में स्नान कर नए साल का किया आरंभ, भगवान से मांगी दुआ। तमिलनाडु के चेन्नई में नए साल के मौके पर सुरक्षा के दिखे पुख्ता इंतजाम। मरीना बीच के आसपास पुलिस ने की पेट्रोलिंग। रेलवे मंत्रालय ने बढ़ाया रेल का किराया। आज आधी रात से लागू हुआ बढ़ा हुआ किराया। 1 से 4 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ा रेल का किराया। सामान्य क्लास में जहां 1 पैसे, स्लीपर क्लास में 2 पैसे, तो वहीं एसी क्लास में सबसे ज्यादा 4 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया रेल किराया। भारत सरकार ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव का बढ़ाया कार्यकाल। 1 साल और रेलवे बोर्ड के मुखिया बने रहेंगे वीके यादव। आज देश को मिलेगा पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। बिपिन रावत 10 बजे लेंगे CDS के पद की शपथ। न्यू दिल्ली के साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर लेंगे रावत। नए सेना प्रमुख बने जनरल मनोज मुकुंद नरवड़े। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद संभालने से पहले बोले जनरल बिपिन रावत, कहा जवानों के साथ से मिलती है सफलता। राम मंदिर को लेकर विहिप उपाध्यक्ष चंपत राय का बयान, बोले 20 जनवरी तक राम मंदिर निर्माण सरकार ने देखी जमीन। पंचकोसी परिक्रमा क्षेत्र के बाहर 5 जगह की गई चिन्हित। बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने मस्जिद की जमीन लेने के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को बताया अधिकृत। कहा जमीन कहां लेनी है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ही तय करेगा। चंद्रयान 3 को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, 2020 में चांद पर भेजा जाएगा चंद्रयान 3। इसरो की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। नए साल में इसरो की नई चुनौती और संभावनाओं पर होगी चर्चा। चंद्रयान 3 को लेकर भी हो सकती है बड़ी घोषणा। दिल्ली सरकार ने प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का बदला नाम। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदल कर रखा गया सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। महाराष्ट्र विधानसभा भवन में मंत्रालय के केबिन नंबर 602 में बैठने के लिए कोई भी मंत्री नहीं है तैयार। केबिन को लेकर यह अंधविश्वास है कि जो भी इस केबिन में बैठता है वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है। गुजरात के अहमदाबाद में GST टीम को मिली बड़ी कामयाबी। 1,000 करोड़ के फर्जी GST बिल मामले में GST टीम ने मुख्य आरोपी परेश नाथालाल चौहान को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के इंदौर में नए साल के मौके पर दर्दनाक हादसा। पार्टी मनाने आया परिवार लिफ्ट में फंसा। लिफ्ट गिरने से 6 लोगों की मौत, 2 घायल। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के मोड़ पर तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर। कार सवार युवक युवती घायल, हालत गंभीर।
बिहार के कैमूर में दो कारों की भिड़ंत, हादसे में सहारा बैंक के रीजनल मैनेजर की मौत, ड्राइवर घायल, कार में तीन लोग थे सवार। बिहार के भागलपुर में तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार की मौके पर मौत, हाईवा चालक हुआ फरार। उत्तर प्रदेश सरकार नए साल पर प्रशासनिक अधिकारियों को देगी बड़ा तोहफा, उत्तर प्रदेश के 28 IAS अफसरों का आज होगा प्रमोशन। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कांग्रेस नेता की स्कूटी के चालान का पैसा भरेगी जनता, शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में मांगा गया सहयोग, प्रियंका गांधी का बिना हेलमेट सफर करने पर कटा था चालान। उत्तर प्रदेश के बरेली में बदमाश बेखौफ, घर वालों को बंधक बनाकर की लूट, पुलिस को बताने पर परिवार को दी अंजाम भुगतने की धमकी। मध्य प्रदेश के भोपाल में किराए के मकान में चल रहे देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़, चार महिला और दो पुरुष मौके से रंगे हाथों गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रीवा में बदमाशों की गुंडई, बीच सड़क पर गाड़ी में की तोड़फोड़, ड्राइवर को भी दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडों से पीटा। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने नए साल पर शराब पीने की दी छूट, आजादी का दिया हवाला, कहा नए साल पर हर कोई खुशी मनाना चाहता है तो क्या दिक्कत है। साफ सफाई में इंदौर का चौका, स्वच्छता सर्वे में चौथी बार बना नंबर वन, टॉप फाइव शहरों में मध्य प्रदेश के दो शहर और दो गुजरात के। झारखंड के रांची में ATM गबन का हुआ खुलासा, रांची पुलिस ने दिल्ली से एक आरोपी को किया गिरफ्तार, गबन के 2,15,37,000 रुपए किए बरामद। राजस्थान के कोटा के जेके लोन अस्पताल में नहीं थम रहा बच्चों की मौत का सिलसिला, 7 और बच्चों की गई जान, दिसंबर से अब तक 99 बच्चों की हो चुकी है मौत। राजस्थान से बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी पर साधा निशाना, कहा CAA के नाम पर देश को जलाने वाले देश के हैं असली दुश्मन। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में लॉरी ने कार को मारी टक्कर, सरकारी कर्मचारी की दर्दनाक मौत। पुडुचेरी के गांधी बीच पर नए साल का जश्न, राज्यपाल किरण बेदी ने लोगों का किया अभिवादन, नए साल की दी बधाई। केरल विधानसभा में CAA को लागू नहीं करने का बिल पास होने पर बोले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, कहा संसद को छोड़कर किसी भी विधानसभा के पास CAA पर बिल पास करने का अधिकार नहीं। तेलंगाना के नव नियुक्त चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने की CM के चंद्रशेखर राव से मुलाकात, प्रगति भवन में दोनों की हुई मुलाकात। फिलीपींस में आंध्र प्रदेश के रहने वाले छात्र जगदीश की सड़क हादसे में मौत, हादसे के दौरान युवक चला रहा था बाइक, पीछे से अनियंत्रित बस ने मारी टक्कर। हैदराबाद में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के दौरान कार में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू, हादसे में कोई हताहत नहीं। खत्म होने की कगार पर अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर, चीन के साथ ट्रेड डील पर 15 जनवरी को हस्ताक्षर करेगा चीन, अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दी जानकारी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, पिछले एक हफ्ते सांस से जुड़ी बीमारियों से 17 लोगों की मौत। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में हुए भीषण कार बम हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन अल शबाब ने ली, हमले में मारे गए थे 82 लोग। इंडोनेशिया में फिर फूटा अंक क्राकातुआ ज्वालामुखी, आसमान में 1 किलोमीटर तक फैली राख। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 102 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट लाने का किया ऐलान, 4 माह में 70 स्टेक होल्डर्स के साथ टास्क फोर्स की बातचीत। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने एयर इंडिया के निजीकरण को बताया जरूरी, कहा कई बड़े प्राइवेट फार्मों ने एयर इंडिया के निजीकरण में दिखाई है दिलचस्पी। साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मखाया एंटनी हुए विराट के फैन, बोले विराट के शानदार खिलाड़ी बनने की शुरुआत 2008 में हुए अंडर-19 वर्ल्ड कप में ही हो गई थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन में नहीं दिखेंगे जापान के टेनिस स्टार केई निशिकोरी, कोहनी की चोट के कारण से नाम लिया वापस। फिल्म अभिनेत्री नेहा पेंडसे की शादी की रस्में शुरू, नेहा ने शेयर की शादी से पहले की जाने वाली गृह मुख पूजा की तस्वीरें, 5 जनवरी को शादी के बंधन में बंधेगी नेहा।